हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा चैनल। दिस इज स्पेशल क्लास फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीएसआईआर नेट एंड आईआईटी जेम। नाउ टुडेज टॉपिक इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, और आज हम वो शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, या फिर ये कह सकते हैं एक्चुअली वो यूजुअल मेथड ही है, बट एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, या पूरे मैट्रिक्स फाइंड करनी है, या फिर किसी एक कॉलम को चेक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट में, सीएसआईआर नेट में और आईआईटी जेम में अब तक पूछे गए। सो प्लीज लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, और जो भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। ठीक है, और कमेंट करके ये बताएं कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हो, जैसे कि हमने आज डिस्कस किया था कि कैसे किसी लिमिटिंग हम लिमिट निकाल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का, अगर वो सीरीज के फॉर्म में हो या फिर समेशन के फॉर्म में हो। ठीक है, और सीरीज के सम का हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी सीरीज का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, ज्यादा स्टूडेंट के जिसमें डिमांड होंगे, मैं उसकी एक नई वीडियो लेके आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ऑलरेडी काफी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। असल में दो, अगर सपोज हम दो वेक्टर स्पेस ले लेते हैं, सपोज ये मान लो ये v और एक w, ये दोनों आपस में एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, v एक वेक्टर स्पेस है, w एक वेक्टर स्पेस है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब कहेंगे, जब सपोज इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, सपोज v की डायमेंशन कितनी है n, और डायमेंशन ऑफ w सपोज है m। ठीक है, ये हमारे पास v की डायमेंशन हो गई और w की डायमेंशन कितनी हो गई m। अब क्या करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, t इस v से लेके w तक, इसे हम क्या कहेंगे, इस सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज lt मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ पहली कंडीशन तो ये है कि यहां का कोई भी दो वेक्टर ले लो, जैसे कि मैं दो वेक्टर ले रहा हूं v1 एंड v2। ठीक है, तो t ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2, या फिर ये कह सकते हैं ये एडिशन को प्रिजर्व करता है, होमोमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और सेकेंड लिनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी कि t ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इंटू t ऑफ x, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, क्योंकि वी अगर एक वेक्टर स्पेस है तो वो किसी फील्ड के ऊपर होगा, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड, तो अल्फा फील्ड के एलिमेंट होंगे, या फिर स्केलर कह सकते हैं इसे हम, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, जो भी फील्ड एफ होगा गिवन फील्ड, या फिर स्केलर होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हमें करना क्या होता है, सपोज एक बेसिस है v1 और ये सपोज v2 है। अब ये बेसिस है तो बेसिस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने उसके डायमेंशंस होंगी, तो सपोज इसके पास जो एलिमेंट है v1 v2 सॉल अप टू vn। ठीक इसी तरीके से v2 के पास जो बेसिस होंगी उसके पास एलिमेंट कितने होंगे, w1 w2 सॉल अप टू wm। तो अब क्या करना होता है, हम हर एक बेसिस को ले लेंगे, जैसे अगर मैं v1 ले रहा हूं, ठीक है, तो v1 के हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इस w1 wm के साथ। तो सपोज यहां पे a1 w1 प्लस a2 w2 सॉल्व अप टू an wn। ठीक इसी तरीके से सपोज मैं v2 ले लूं, तो सपोज यहां पे मैं ले लेता हूं b1 w1 b2 w2 सॉल्व अप टू bn w1। तो जब हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो अब मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर ये n और m है तो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो m क्रॉस n होगी। उल्टा हो जाता है कि जो सेकेंड सेट का डायमेंशन है
वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जाते हैं और जो फर्स्ट सेट के डायमेंशन है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो जाती। तो ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है ना इसको ऐसे लिखना है A1, A2, सॉल अप टू An, देखो सॉरी ये WM है ना तो इसके पास कितने होंगे M तक, तो ये कहां तक जाएगा AM तक, ऐसे B1, B2, सॉल अप टू BN। तो यहां पे असल मुझे A11, A12 लेना था, तो अगर A11, A12 लेंगे तो ये पूरा इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। तो ऐसे ये कहां तक जाएगा, सपोज ये A1, B1, तो जहां तक लेंगे कितने वेक्टर लेना है, 1, 2 सॉल्व अप टू n वेक्टर्स लेने, क्योंकि मेरे पास ये कितने होंगे टोटल, अगर मैं इसलू V1, V2 लू तो मेरे पास यहां पे कितने वेक्टर है, V1 से लेके BN तक वेक्टर है, तो ये n तक चलेगा और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है वो कहां तक चलेगी, m तक। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब करना क्या है, तो जो भी फर्स्ट जो हमारा पहला वेक्टर स्पेस होगा इसके हर एक बेसिस को लेके सेकेंड इमेज सेट के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो ये जो कोएफिशिएंट है ना इसे कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है, तो इस कॉलम तरीके से लिखना है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ टी। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, एम ऑफ टी, ये हमारे पास एम ऑफ टी होता है, यानी कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ टी विथ बेसिस B1 एंड B2, सपोज ये B1 और B2। तो ये इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बट अगर एग्जाम में हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स गिवन है तो सबसे पहला वे, तो ये तो हमारे पास प्रोसीजर हो गया कि इस प्रोसीजर्स का यूज करके हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, बट मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को फॉर्म नहीं करना है। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर, अब जैसे एक मैट्रिक्स गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3R³ से लेकर R² तक जा रहा है, तो जो मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि 2×3। अब ध्यान से देखो 2×3 में तो ये तो नहीं आएगा, सीडी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, अब बच रहा है ए और बी, तो अब इसमें से वो वाली एंट्री देखनी है जो डिफरेंट हो, बट ये इसमें दोनों डिफरेंट है, क्योंकि क्या होता है अगर सपोज सेम है हम वही एंट्री फाइंड कर ले, वही कॉलम फाइंड कर ले, तो कुछ मतलब नहीं है ना, क्योंकि एलिमिनेट नहीं होगा, बट इसके तो सारे अलग है, डिफरेंट है, देखो ये भी कॉलम डिफरेंट है, ये भी कॉलम डिफरेंट है, ये भी कॉलम डिफरेंट है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को फाइंड कर लो और हमारा आंसर हो गया। तो एक काम करते पहला ही कॉलम फाइंड कर लेते हैं, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूं तो मुझे लेना क्या है, बट ध्यान से समझना, ये मेरे पास इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि हमारे पास इस सेट का जो पहला है R³ के बेसिस इस फॉर्म में है, R² के बेसिस इस फॉर्म में, यानी कि पहले हम क्या लेंगे T111 लेंगे, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे यहां से T111 इज इक्वल टू सेकेंड, अब इसको किसके फॉर्म में लिखना है, किस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, 1110, तो मतलब हमें क्या लिखना है A इंटू 1 प्लस बी इंटू 10, मतलब अब हमें सभी ये ए और बी फाइंड करना है, क्योंकि इसकी जो भी एलिमेंट होगी इसे इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इस बेसिस के साथ, ये हमारे पास सेकेंड सेट का बेसिस है, तो ये ए और बी हो गया, मतलब सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर ये या तो ए राइट हो गया तो बी, मतलब इतना ही काम करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी एकदम सिंपल हो जाता है, ये ए हो गया और ये ए प्लस बी हो जाएगी और यहां से सिर्फ ए की वैल्यू आएगी और ये बी 0, मतलब यहां से अगर ए की वैल्यू भी मिल गई ना, तो अगर ध्यान से देखो ए की वैल्यू भी अगर मिल गई ना, अगर ए की वैल्यू 0 तो ये ऑप्शन राइट, ए की वैल्यू -2 तो ये ऑप्शन राइट, मतलब एक ही वैल्यू से पूरी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें यहां पे मैट्रिक्स फॉर्म ही नहीं करना है, यहां पे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो ये ट्रिक यूज करना है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ नहीं है, T11 है, यानी कि एक्स वाई जेड, अब इसको डिफाइन किस तरीके से किया है, एक्स प्लस वाई और वाई माइनस जेड, अब सारी एंट्री 1 है, तो ध्यान से देखो ये एंट्री 2 हो जाएगी और ये एंट्री 0, मतलब ए की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू 0 और यहां पे ए 0 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, मतलब ए 0 आ गया, बी इज इक्वल टू 2। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सिर्फ इतना ही काम करना था, ये सिर्फ इतना ही काम करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता मैट्रिक्स फॉर्म करने की जरूरत है, ये हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है राइट हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा, मतलब सिर्फ हमें एक एंट्री को भी देख के हम इसका आंसर बता सकते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, पहले देखो ये 3×3 है और सारे मैट्रिक्स का 3×3, एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, अब एक
इसमें से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुए, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या अब मुझे सारे एंट्री फाइंड करने इसके? नहीं। तो अब जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा ना, तो मैं इसका पहला कॉलम फाइंड ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर पहले कॉलम में सपोज ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो यहां पे तीन ऑप्शन सेम है, तो हम लोग पहले बेसिस को लेके, मतलब पहले आर क्यूब के, देखो बेसिस यहां पे दिया है, ये तीन बेसिस है और दोनों के बेसिस सेम है, तो मैं इसे लूंगा ही नहीं, मैं पहले कॉलम को फाइंड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं नेट के क्वेश्चंस में। ये 110 है और ये 111, ये 111 से मान लो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ये तीन रह जाएंगे, फिर इसे चेक करना होगा, तो इतना मेहनत नहीं करेंगे हम। देखो ध्यान से, इसमें तीनों वन है, इसमें 110 है, इसमें 1-1, यानी कि सब डिफरेंट है, तो मैं काम करूंगा सेकेंड कॉलम डायरेक्ट फाइंड कर लूंगा। अब देखो सेकेंड कॉलम मतलब क्या होगा, हम ये सेकेंड वाला बेसिस उठाएंगे, यानी कि टी ऑफ, ये जो एंट्री है कितना है 001 आ गया, और इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो एक बात बताओ, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब क्या होता है कि ए एलिमेंट, तो एक काम करते डायरेक्ट एलिमेंट ही निकाल लेते हैं ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले वाले में तो ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, डायरेक्ट क्या आ रहा है सी, तो मतलब पहला एंट्री सी हो जाएगा। सेकेंड एंट्री में क्या आ रहा है, ए वन आ रहा है, बाकी बी जीरो सी जीरो, यानी कि ए आ रहा है, और अगर मैं इसमें करूं तो ए भी जीरो, यहां पे आ रहा है बी। तो अब मुझे निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं 001, अब इसको डिफाइन किस तरीके से किया है, इस तरीके से डिफाइन किया, और हमारे पास सिर्फ जेड की वैल्यू है, मतलब -1, 1 और -1, मतलब ये एंट्री क्या आ रहा है, -1, 1 और -1, यानी कि -1, 1 और -1, मतलब ए की वैल्यू आ गई 1, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स का जो सेकेंड कॉलम होगा वो ए के प्लेस पे लिखेंगे 1, बी के प्लेस पे लिखेंगे -1 और सी के प्लेस पे लिखेंगे -1। अब ऑप्शन चेक कर लो, आंसर हो गया। देखो ये मैट्रिक्स चेक करना है, सिर्फ सेकेंड कॉलम में ये चेक करना है 1-1-1। देखो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब किसी एक कॉलम को ही फाइंड करना है, और वैसे भी एलिमिनेट हो गया तो मैं तो बोलता हूं एक ही एंट्री फाइंड कर लो, नहीं एक ही एंट्री नहीं, तो मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया 1 से, और फिर सेकेंड में -1 आ रहा है, तो मैं देखो पहले 1 लिखेंगे तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, फिर सेकेंड ये माइनस फाइंड करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। वैसे उतना टाइम तो है कि हम लोग ये पूरी एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो नेट के क्वेश्चंस में आपको एंट्रेंस एग्जाम में जब बैठना है तो इतनी पूरी इसमें पूरा यूज नहीं करना। तो आज के लेक्चर्स में एक्चुअली हमने इसके बहुत क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कि ये पूरा मैंने प्रोसीजर भी बताया, बट आज का जो ये क्वेश्चंस, मेरा एम ये था कि आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये तो आप देख सकते हो इसको सॉल्व कैसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होता है, बट क्वेश्चंस में आपको इससे डील कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, कि आपको सारे मैट्रिक्स निकालने नहीं, आपको ऑप्शन से खेलना आना चाहिए। ये हो गया हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 333। अब देखो कैसे हम इस यूज करके इसका निकाल सकते, अब ध्यान से सुनो, पहले मैट्रिक्स का बेसिस है ये और ये 1, जब भी स्टैंडर्ड बेसिस आएगा ना तो एक काम करेंगे, हम स्टैंडर्ड बेसिस ही ले लेंगे, यानी कि इसे E1 बोल दे देंगे, इसे E2 बोल देंगे, इसे E3 और E4, अब इसको बोल जाएंगे, ये हमारे पास E1, ये हमारे पास E2, ये हमारे पास E3, और स्टैंडर्ड बेसिस में तो हमें पता ही है ना, कुछ करना ही नहीं होता, AB की वैल्यू निकालनी ही नहीं होती, सिर्फ इसमें पुट करके जो भी वैल्यू आ रही है उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहां पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा, या फिर डायरेक्ट मैट्रिक्स से देख सकते हैं, पहली बात तो हम इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये देखो P3 4 है, पॉलिनोमियल में एक डायमेंशन ज्यादा होता है, यानी कि 4 और ये 3, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 3x4। अब यहां पे देखो 3x4 के कौन से हैं, ये 4x3 है, कैंसल, ये 3x4 है, ये राइट हो सकता है, ये 3x4 है, ये राइट हो सकता है, ये 4x3, ये डाउन, यानी कि BC में से एक ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब ये देखो जब मैं ये सिर्फ मुझे यही चेक करना है, अब अगर देखा जाए ना थोड़ा कॉमन सेंस करे तो ये अगर एक बार प्रैक्टिस होना तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते इसमें आंसर कौन सा है। फटाफट कर लेते हैं कि क्या सारे कॉलम 0 आ रहे हैं या फिर 063 आ रहा है, तो एक काम करते हैं पहला एलिमेंट ले लेते हैं, और पहला एलिमेंट क्या था, अगर मैं पहला एलिमेंट बताऊं तो पहला एलिमेंट 1 होता है। अब यहां पे 1 पुट कर दो, 1 का 2 टाइम डेरिवेटिव कितना होगा 0, 1 का 1 टाइम डेरिवेटिव कितना होगा 0, कॉन्स्टेंट फंक्शन का 0, यानी कि सारे एलिमेंट 0, और 0 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 × 1, 0 × x, 0 × x2,
जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा क्यों तीन तक टाइम तक जा रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड वाले के पास सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, तो मतलब जीरो जीरो जीरो, बी ऑप्शन टिक करो, सी ऑप्शन रॉन्ग। तो कितना टाइम लग रहा है इसमें, एक मिनट भी नहीं लग रहा है, मतलब कुछ सेकेंड ही लग रहे हैं। तो इतना पीस तो इसमें यूज करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम इसको हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, पी टू आर बी द पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ विद बेसिस वन एक्स एक्स स्क्वायर एंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पी ऑफ एक्स को इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सारे थ्री क्रॉस थ्री ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो अब स्टैंडर्ड बेसिस है, फिर से वही ले लेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। चलो यही देखते हैं, ये कह रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल को ऐसे ही लिख के फिर उसमें जीरो पुट करके वन ले लो। अच्छा एक काम करो, जब मैं वन को ही पुट करूंगा तो वन तो कांस्टेंट है, मतलब चेंज ही नहीं होगा, वन कांस्टेंट है चेंज ही नहीं होगा। अब वन माइनस वन जीरो यानी कि एक्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पहला कॉलम होगा उसमें सारे एंट्री जीरो, ऑप्शन ए डी एलिमिनेट, सिर्फ बी और डी बचे। अब ध्यान से देखो, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चेक, मतलब कौन से कॉलम को और चेक करना है ये। अब देखो सेकेंड में तो सेम है ना, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, तो क्या अब ये सेकेंड कॉलम को चेक करेंगे, नहीं नहीं डायरेक्ट थर्ड कॉलम को चेक करना है, यानी कि यहां पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर। अब जब यहां पे मैं तो एक्स स्क्वायर ही पुट करूंगा, और एक्स स्क्वायर में अगर जब जीरो पुट करूंगा तो जीरो और ये एक्स बचेगा, यानी कि एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ हमारे पास एक्स बच रहा है, और एक्स मतलब वन का कोएफिशिएंट जीरो, एक्स का कोएफिशिएंट वन, यानी कि बीच के एलिमेंट क्या होंगे वन। तो देखो इसमें मिडल एलिमेंट वन नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन राइट सी ऑप्शन रॉन्ग, मतलब कितने जल्दी इक्वेशंस हो रही है। तो अब ये हो रहा है कि ऐसे इक्वेशंस में हमको टाइम सेव करना है, तो ऐसे में बहुत सारे इक्वेशन बता चुका हूं कि जो इजी नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट तो चाहिए, बट कॉन्सेप्ट के बाद आपको अगर थोड़ा ट्रिक वगैरह यूज करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे, तो उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं हम लोग विद इन सेकेंड, हमको मिनट भी नहीं यूज करना है। अब देखो इसमें स्पेस भी बच रहा है, अगर आपको पेज बचाना है ना ऑनलाइन एग्जाम में, ज्यादा इधर उधर नहीं करना, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे देखो बहुत क्वेश्चंस है, मैं आईगन वैल्यू की बहुत बता चुका हूं, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ आईगन वैल्यू इज अ डिटरमिनेंट, सम ऑफ आईगन वैल्यू इज ट्रेस, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक वाला, ये सब ऐसी चीजें हैं ना जो हर साल आती है, सिक्वेंस में काउंटेबिलिटी। तो अच्छा मैं एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिसकी क्वेश्चन एवरी ईयर, हर मतलब जितने भी, चाहे वो जून का एग्जाम हो चाहे दिसंबर के एग्जाम हो, हर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और उसके क्वेश्चन को हम मतलब जो स्टार्टिंग के, अगर हम हाफ एन आवर में कम से कम 30 से 40 मार्क्स कन्फर्म उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, और उसके लिए सिर्फ हमें 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट में मैं बोलता हूँ 30 मिनट में हम लोग कितने कम से कम 40 मार्क्स ला सकते हैं, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कुछ सीक्वेंस में है, कुछ सीओवी में है, और इसके अलावा कुछ पीडीई में भी है। पीडीई में पता है एक टॉपिक एलिप्टिकल वाला, तो एक लेक्चर में मैं सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 334। अब देखो क्वेश्चन नंबर 335 जल्दी जल्दी करना है। अच्छा ये सारे क्वेश्चन गेट के हैं, नेट के भी नहीं क्वेश्चन, नेट के तो और इजी आते हैं, बट इसमें ऐसा इजी वगैरह कुछ नहीं होता, ये गेट और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा टॉपिक है मैट्रिक्स वाला, जिसमें मैट्रिक्स बनाने बहुत इजी होते हैं, चाहे वो गेट के हो चाहे नेट के हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहले तो ऑर्डर चेक करो, पहला सबसे पहला, अब थ्री क्रॉस थ्री जब सेम आ जाते तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते, ऑर्डर से एलिमिनेट कब होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हो, क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या होगी, फोर क्रॉस फोर, और चारों मैट्रिक्स का ऑर्डर वही दिया होगा। ठीक है, यहां पर एलिमिनेट नहीं होता। हाँ, अगर ये डिफरेंट होते हैं ना तब पक्का दो ऑप्शन एलिमिनेट होते, ये भी समझ जाना। अब जैसे कि पी ऑफ एक्स है, और ये भी याद रखना, अगर यहाँ पे थ्री क्रॉस फोर होता ना तो हमेशा दो ऑप्शन फोर क्रॉस थ्री का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो लोग ये चेक करते हैं कि इसके पास थोड़ा भी लॉजिक है या नहीं, अगर जो वो लॉजिक नहीं लगा रहा तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। देखो अब यहाँ पे सारे सेम है, तो मुझे सिर्फ क्या करना, सबसे पहले ए मेरा ये होना चाहिए कि मैं ये चेक करूं कि किसके सारे कॉलम डिस्टिंक्ट है। तो एक ध्यान से अगर देखो तो पहला कॉलम ही डिस्टिंक्ट है, मतलब सारे मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, नहीं सिर्फ पहला कॉलम ही फाइंड करना है। ठीक है, सेकेंड थर्ड कॉलम को फाइंड ही नहीं करना है, सिर्फ पहले कॉलम को ही फाइंड करना है, ये समझना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बेसिस स्टैंडर्ड है, टेंशन नहीं, जब बेसिस स्टैंडर्ड होता है ना तो कुछ टेंशन ही नहीं लेना, डायरेक्ट मतलब स्टैंडर्ड बेसिस मतलब E1 E2 E3 E4 वही चलते। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मतलब पहला वन, और वन को तो और भी सिंपल है ना, अब देखो ये वन कर रहा हूं, वन का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ, वन का डेरिवेटिव लेना है,
वन का डेरिवेटिव कितना होगा? जीरो, और जीरो का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? जीरो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन स्ट्रांग है या फिर कुछ तो गड़बड़ है? ठीक है, अच्छा गड़बड़ नहीं है एक्चुअल में ना, थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। ये भी बोलता हूँ कभी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पता। शॉर्ट मैंने अभी जो लेक्चर लिया था सीक्वेंस उसमें बताया था कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में इतना मत फंस जाओ कि कॉन्सेप्ट को ही भूल जाओ। जो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया ऐसे 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 होता है ऐसे मत करना। ये ठीक है, बी वन बी टू है, इसमें पूछा क्या है? एम प्लस एम डैश पूछा है, मतलब मैट्रिक्स तो निकालना है प्लस उसका एम डैश भी निकालना है। इसका मतलब क्या होगा? अब फिर से क्या पूरी मैट्रिक्स फाइंड करनी है? ना ना, पहला इसका रो निकाल दो, समझ में आ रहा है? एक काम करो, पहले इसके ये रो मतलब दो निकाल दो। दो निकालने से क्या होता है पता है? एक ध्यान से अगर देखो तो ये सारे एलिमेंट इसके डिस्टिंक्ट है, ये भी पता है कि नहीं? अगर ये सारे डिफरेंट है तो अगर मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ दो एंट्री निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसका अगर मैं ये पहला कॉलम और अगर मैं ये दो निकालता हूं, ठीक है, जैसे कि मतलब मैं अरे ये दो भी अगर निकाल दूं तो ये दो में यहां साइड से भी दो आ रहा है, यहां साइड से भी ये दो आ रहा है, मतलब मुझे दो एंट्री तो इसके एक्चुअल मिल जाएंगे। बता रहा हूं कैसे करते इसको, देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने मैट्रिक्स निकाला तो मुझे ये तो पता चल गया कि जब मैं यहां पे वन पुट करूंगा तो वन के डेरिवेटिव कितनी? जीरो, और जीरो का इंटीग्रेशन कितना? जीरो। तो देयर फोर जो फर्स्ट कॉलम होगा ना वो सारे जीरो हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसका m ट्रांसपोज निकालूंगा ना तो क्या होगा? वो ये सारे जीरो, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मतलब ये तो मेरे सेम होंगे ना, मतलब जब मैं इनका डैश लूंगा तो मतलब पहला एंट्री जीरो। एक काम करो, इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पता है कि नहीं? बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहां पे जीरो नहीं आ रहा है, मतलब ए और बी में करना है। एक काम करते हैं और एक एंट्री निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बिना अगर अब इन दोनों में से एलिमिनेट करना है ना तो अब इसके लिए और एक एंट्री चाहिए। तो एक काम करते हैं सेकेंड वाला निकाल लेते हैं। सेकेंड वाले के लिए अब इसमें टाइम नहीं लगता, एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन पुट करेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। कैसे? देखो मैं कह रहा हूं यहां पे ई डैश टी है, वन पुट करूंगा, अरे एक्स पुट करूंगा, एक्स मतलब टी होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे टी के टर्म्स में टी का डेरिवेटिव कितना होगा? वन। टी का डेरिवेटिव कितना होगा? वन। और वन का फिर इंटीग्रेशन भी लेना है, ये तो मतलब जो भी फंक्शन है उसका, या फिर ये सिंपल देखे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं, इसका आंसर एक्स ही आएगा यानी टी आएगा। तो जब t आएगा तो मतलब जब हम लोग t पुट करेंगे तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना होगा? t माइनस वन। तो मतलब t माइनस वन, अब t माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि इसे मैं लिख सकता हूं माइनस वन इंटू वन प्लस वन इंटू टी, मतलब माइनस वन और वन आ रहा है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मतलब पहली एंट्री कितनी आ रही है? माइनस वन और ये वन, बाकी सारे जीरो। और इसी को मैं अगर उल्टा लिख दूं माइनस वन और अब मुझे क्या ऐड करना? देखो ये सारे इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस वन आ रहा है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन। अभी चेक कर लेना किसमें आ रहा है, बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये टू आ रहा है, रॉन्ग, पहला ऑप्शन करेक्ट। मतलब सारे एंट्रीज में सारे कॉलम फाइंड ही नहीं करने होते, पूरा मैट्रिक्स नहीं फाइंड करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 336, देखो इसके चार ऑप्शन गिवन है, मतलब 3x3 का है तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं होंगे, अरे मतलब ऑर्डर से एलिमिनेट नहीं होंगे। पहले बेसिस चेक कर लो, बेसिस क्या दिया है? फिर से स्टैंडर्ड बेसिस दिया है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, पहले मैट्रिक्स निकाल देना, मैट्रिक्स भी इसका सिंपल निकाल सकते हैं, इसमें इनवर्स निकालना है। तो एक तो काम कर सकते हो, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही निकाल के, पहले इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके डायरेक्ट इनवर्स निकाल दो और मैट्रिक्स फॉर्म करो, या फिर क्या कर सकते हो, एक तो वो मेथड है, या तो सिंपल क्या करो मैट्रिक्स फॉर्म करो, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दो। तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए रहेगा, तो ये आपको करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 336। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 337, किधर गया 337 क्वेश्चन, ये देखो, बाकी ये मैंने पहले सेंड कर दिया है। हाँ अभी ये थोड़ा ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्रिकली इसको समझना है। क्या कह रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करता है हर वेक्टर आर स्क्वायर के हर वेक्टर को क्लॉकवाइज 90 डिग्री से। अब मैं कह रहा हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रोटेट करता है आर स्क्वायर के हर वेक्टर को। अच्छा आर स्क्वायर कैसे रहता है, अगर मैं ध्यान से समझूं
तो यही तो आर स्क्वायर है ना मेरा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास पॉइंट है, जैसे कि ये जीरो जीरो है, ये मेरे पास पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ये वन जीरो हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया माइनस वन हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया जीरो वन हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस वन, ये ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इसे 90 डिग्री से क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा हूं, देखो ये मेरा जीरो डिग्री, 90 डिग्री मतलब ऐसे रोटेट करना है। अब हर वेक्टर को रोटेट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट यहां आ जाएगी, मतलब ये पॉइंट मेरा क्या हो गया जीरो वन हो गया, यानी कि जो मेरा पॉइंट है अगर मैं ये वन जीरो ले रहा हूं तो ये वन जीरो को कहां भेज रहा है, वन जीरो को ये भेज रहा है मेरे किसके पास, जीरो वन के पास, ठीक है, ये जीरो वन के पास भेज रहा है। और जो सेकेंड एंट्री है जीरो वन को ये कहां भेज रहा है, अब ध्यान से सुना, ये जो जीरो वन है, वन जीरो वन को कहां भेज रहा है, ये जीरो वन मेरा, अरे यार सॉरी, वन जीरो को ये कहां भेज रहा है, जीरो और माइनस वन पे भेज रहा है, ठीक है, और जीरो वन को कहां भेज रहा है, वन जीरो पे भेज रहा है। तो अगर मैं इसे कॉलम वाइज लिखो तो कॉलम वाइज कैसे लिखते हैं, ये जीरो माइनस वन और ये वन जीरो, चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ऐसे करना है, तो रोटेट का मतलब क्या होता है, इसके हर वेक्टर को, तो समझ में आया कैसे करना है, इसको रोटेट करना था बाकी कुछ नहीं, रोटेट करके, रोटेट करने से क्या हुआ, सिर्फ ये ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन था, मतलब देखा जाए तो इसमें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज भी नहीं हो रहा, तो देयरफॉर बी ऑप्शंस करेक्ट, बाकी ए सी डी ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। ये भी क्वेश्चंस कब का है, ये जून 2013 सीएसआईआर नेट, जब भी जून वगैरह लिखा है मतलब ये किसका क्वेश्चन होगा, गेट का तो हो नहीं सकता, नेट का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 338, ये कह रहा है कि एन एक वेक्टर स्पेस है वो सारे, ठीक है, 338 क्या है, इसमें कह रहा है कि एन एक वेक्टर स्पेस है, उन सारे रियल पॉलिनोमियल का डिग्री एटमोस्ट थ्री, मतलब डायमेंशन कितना हो गया फोर, डिफाइन करना है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस एन से लेके एन तक, कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर वो एक्स है तो उसमें वो एक्स प्लस वन एड कर देता है, मतलब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स है तो वो एक्स प्लस वन कर देगा, और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहां पे एक्स लू तो वो एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर रहा है, ये कह रहा है। अब मैट्रिक्स एस इन द बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस आ गया मतलब ये क्वेश्चंस इजी होगा, जब भी याद रखना ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं होता ना तो स्टैंडर्ड बेसिस ही देते, अगर बेसिस चेंज कर रहे हैं तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं किससे, ऑर्डर से ही, बट अगर जब भी बेसिस सेम दिया तो लोग क्या करते हैं सेम ऑर्डर के ही देते हैं। तो कंसिडर एज अ कॉलम वेक्टर इज गिवन बाय, मैट्रिक्स फाइंड करना, फिर से अपना सिंपल सा फंडा ध्यान से देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पहला कॉलम निकालू तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, एक काम करना वो ऑप्शन ढूंढना जिसमें सारे एंट्री डिफरेंट हो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो सेकेंड कॉलम है ना उसमें सारी एंट्री डिफरेंट है, देखो 02 00 11 00 11 23 00 10, मतलब कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, सेकेंड, मतलब बेसिस कौन सी लेनी है, सेकेंड वाली बेसिस, बस हो गया खत्म। ये कह रहा है कि एस पी ऑफ एक्स को क्या करना है, पी ऑफ एक्स प्लस वन करना है, यानी कि अगर सपोज मैं यहां पे x ले लूं तो ये मुझे सिंपल क्या करेगा, x प्लस वन करेगा, तो ये x प्लस वन करेगा, तो अब ध्यान से देखो तो ये बेसिस के फॉर्म में लिखो तो ये 1 × 1 1 × x 0 × 0 0 × 0 0 × x 0 × x2, मतलब सेकेंड कॉलम क्या, सेकेंड कॉलम में ये 1 1 बाकी सब 0 हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, अरे रे रे रे, हाँ ये ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट, 1 1 0 0, मतलब देख रहे हो ना कितना क्वेश्चंस इजी हो जा रही, मतलब यहां पे ना पूरे मैट्रिक्स को फॉर्म करने में ना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस और देखते हैं कि आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है, और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 339, ये एक्चुअली मैंने लिख दिया है बट ये ऑलरेडी हो चुका है, बाकी आपको ट्रिक तो समझ में आ गया कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, किसी एक लेक्चर में डिस्कस किया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक देखे ना उसका यूज करके, ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आईआईटी जैम 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये
वन मार्क्स के लिए यानी कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू मतलब उसमें ऐसा होता है एमएसक्यू होता है मल्टीपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक ही ऑप्शन देंगे। बी वन ये दिया है, बी टू ये दिया है, मतलब बेसिस गिवन है, बी ऑर्डर बेसिस, आर स्क्वायर से लेकर आर स्क्वायर तक एक मैट्रिक्स जा रहा है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म कर, मैट्रिक्स बी वन बी टू इज 4 3 देन टी ऑफ 5 5 इज इक्वल टू, ओके ओके ओके। एक्चुअल में ये क्या कह रहा है पता है, बेसिस गिवन है और ओके ओके एक बात बताओ ये क्या कह रहा है मुझे, ये असल में ना स्केलर बता रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं जैसे मैं ये T12 को लिखूं, अगर ये T12 को मैं लिखूं ना तो मैं इसे कैसे लिखता हूं, स्केलर लिखता हूं, बट ये स्केलर तो ये कॉलम ही रहता है ना, मतलब ये 4 into और जो बेसिस होगी, मतलब बेसिस मतलब क्या हो गया मेरे पास ये 10 हो गया, देखो T12 मतलब ये पहला बेसिस को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते, जो स्केलर आता है वो तो मैट्रिक्स ही होता है ना, मतलब ये 4 2 प्लस, और जो सेकेंड आ जाएगा उसे मैं क्या लिखूंगा यहां पे 2 into 0 1 ऐसे आ जाएगा, ऐसे सेकेंड वाला लिखूंगा मैं 2 minus 1 और सेकेंड आ जाएगा मेरे पास ये 3 1 0 और ये -4 0, मतलब ये मेरे पास आंसर इस तरीके से आ रहा है। मुझे फाइंड क्या करना है, टी ऑफ 5 5 फाइंड करना है, ठीक है ये फाइंड करना है। तो मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो T12 की वैल्यू गिवन है वो कितनी हो जाएगी, ये देखो ये 4 प्लस मतलब 4 ही आएगा और सेकेंड ये तो 0 और यहां पे 2 मतलब ये आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 2 minus 1 निकालूंगा तो ये मेरे पास 3 और ये 0 मतलब ये 3 आ गया और ये 0 और ये -4 मतलब ये मेरे पास एंट्री आ गई। ठीक है तो ये जो हो गया मेरे पास टी ऑफ 12 की वैल्यू 4 2 है और T21 की वैल्यू 3 minus 4 है। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको बता देता इसमें करना क्या है, तो ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। अब इसमें करना क्या, हम लोग हर एक एलिमेंट को, जैसे मैं कह रहा हूं कि टी एक्स वाई के हर एक एलिमेंट को मैं लिख सकता हूं यहां पे अल्फा इंटू बेसिस पहले वेक्टर, अरे किसके बेसिस में लिख सकता हूं, इसके बेसिस में लिख सकता हूं, मतलब 1 2 1 2 सेकेंड बेसिस क्या है 2 minus 1 यानी कि बीटा 2 minus 1 लिख सकता हूं। अब कुछ करना ही नहीं, एक काम करो ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में निकाल लो, समझ में आ रहा है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे कि मतलब ये मेरे पास एक्स वाई है, बता रहा हूं क्या करना बाकी तुम लोग कर देना, अल्फा प्लस 2 बीटा इज 2 अल्फा माइनस बीटा। अब यहां से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेना एक्स वाई के टर्म्स में, उसके बाद सिंपल यहां पे टी एक्स वाई अप्लाई कर देना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हो जाएगा अल्फा ऑफ T12 प्लस बीटा ऑफ 2 minus 1 और एक्स वाई के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देना 5 5 पुट कर देना और यहां पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना वो भी तो एक्स वाई के टर्म्स में ही होगा, तो मान लो इसके प्लेस पे जो भी एक्स वाई के टर्म्स में आएगी उसमें एक्स के प्लेस पे वाई, वाई के प्लेस पे भी 5 और T12 की वैल्यू तो गिवन है, T12 की वैल्यू हमने निकालना ना, T12 की वैल्यू कितनी थी 4 2 था, तो T12 के प्लेस पे 4 2 प्लस बीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेना एक्स वाई के टर्म्स में और जो भी एक्स वाई की वैल्यू होगी उसमें क्या पुट करना है 5 5 और यहां पे 2 minus 1 जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा मिल जाएगा। तो आई थिंक जो इसका आंसर है मेरे ख्याल से वो 15 by 15 2 होता है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन का करेक्ट है। ठीक है तो ये होमवर्क के लिए, बाकी सॉल्व कर देना, होमवर्क क्या सब कुछ तो हो ही चुका है, सिर्फ इसे कैलकुलेट करना। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया 10 important questions ऑफ गेट IIT जैम एंड CSIR NET। मोस्टली आज के जो क्वेश्चन थे उसमें ज्यादा गेट के ही थे क्योंकि नेट के क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुका हूं। तो आज का जो मेरा एम था ना कि हम कैसे नेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं या फिर क्वेश्चन से डील कैसे करना है, और मतलब कि हमें ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना होता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में कॉची थ्योरम, तो ऐसे बहुत सारे हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में ना सारे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है, जिसमें ना कि जो मतलब मोस्टली क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को, अरे 40 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, और वो कौन से क्वेश्चन है जो हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है तो आज का लेक्चर जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए
ये हो चुका है, बाकी जो भी होमवर्क वगैरह जो भी मैंने बोला आपको करने का वो करना है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उसे शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बोले, और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हो तो प्लीज बताओ, मैं उस पर एक वीडियो आपको लेके आऊंगा। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।